Hey future doctors, welcome to Dentitionary. Here you will be provided with information for the doctors from the doctors. Today this is our first video of dental histology subject and our first topic is development of tooth. So let's start without wasting any time. First of all, you have to study about the general schematic representation of the tooth development. Here is an outline. First of all, टूथ जर्म या फिर ओरल एक्टोडर्म से सबसे पहले दो चीज़ें बनती हैं, एक्टोडर्म ऑफ द फर्स्ट आर्च यहाँ फेरेंजियल आर्च जो ब्रेकियल आर्च है उसकी है, उसमें से डेंटल लमाइना बनता है सबसे पहले, जो एक बडिंग स्ट्रक्चर होता है टूथ जर्म में, और दूसरी साइड ही उसमें जस्ट उस डेंटल लमाइना के नीचे एक्टोमीजन काइम सेल्स कंडेंस हो जाते हैं जो न्यूरल क्रेस्ट से आते हैं. न्यूरल क्रेस्ट और फेरेंजियल आर्चेस ये आपके डेवलपमेंट में है, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में है और ऑर्गन्स के फर्स्ट चैप्टर में यानी कि फेस डेवलपमेंट वगैरह में भी है, तो वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो. तो डेंटल लमाइना सबसे पहले एक बडिंग स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद उसमें से एक एनामल ऑर्गन डेवलप होता है जो पांच चीज़ें डेवलप करता है या उसके पांच लेयर्स होती हैं, जैसे आउटर एनामल एपिथीलियम, ये सबसे आउटर लेयर होती है जो कॉन्वेक्स साइड रहती है, इनर साइड रहती है इनर एनामल एपिथीलियम, बीच में स्टिलेट रेटिकुलम रहता है, स्ट्रेटम इंटरमीडियम रहता है और सर्वाइकल लूप रहती है. इसमें सर्वाइकल लूप का काम होता है रूट का नंबर, लेंथ और शेप डिसाइड करना. इनर एनामल एपिथीलियम अमीलोब्लास्ट बनाता है जिससे एनामल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ जब अमीलोब्लास्ट मैच्योर होते हैं तो एनामल का मैच्योरेशन होता है. ओके, और इन सभी चीज़ों से OEE, स्टेलेट रेटिकुलम, स्ट्रेटम इंटरमीडियम और IEE और अमीलोब्लास्ट, ये पांचों चीज़ें मिलकर रिड्यूस्ड एनामल एपिथीलियम बनाती हैं. ये क्या काम करता है, ये एक जो नया टूथ उग रहा है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है ताकि उसके प्रोलिफरेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और जब वो इरप्ट हो तो उसके बीच में इरप्शन सीक्वेंस में या इरप्शन का जो उसका डायरेक्शन है उसमें कोई चेंज ना आए. उसके बाद इससे जंक्शनल एपिथीलियम डेवलप होता है जो इरप्शन में हेल्प करता है. ठीक है, उसके बाद एक्टोमीजन काम में आते हैं. इसी के नीचे एक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ सेल्स के जो आके कंडेंस हो जाते हैं वहाँ बल्क में, उससे दो चीज़ें बनती है, डेंटल पैपिला एंड डेंटल फॉलिकल. डेंटल पैपिला ओडोंटोब्लास्ट को जन्म देती है, ओडोंटोब्लास्ट को प्रोड्यूस करती है जिससे डेंटिन फॉर्मेशन होता है और पल्प फॉर्मेशन करती है, जबकि डेंटल फॉलिकल तीन चीज़ प्रोड्यूस करती है, सीमेंटोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, जिससे सीमेंटम, पीडियल और एल्वियोलर बोन डेवलप होते हैं रेस्पेक्टिवली. फर्स्ट ऑफ ऑल द बर्थ स्टेज, सबसे पहली स्टेज है ये, ड्यू टू द प्रोलिफरेशन इन द ओरल एक्टोडर्म जो टूथ बर्ड्स होती हैं फॉर्म होती हैं एट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द डेंटल लमाइना. क्यों? क्योंकि वो करेस्पॉन्ड करती हैं टू द लोकेशन ऑफ द फ्यूचर डेसिडुअस टीथ, जहाँ फ्यूचर का टीथ उगना है वो वहीं बडिंग होगी, उसके अलावा वो बडिंग कहीं नहीं हो सकती. दीज बर्ड्स ग्रो डाउनवर्ड इन टू द अंडरलाइन एक्टोमीजन काइम, ये डाउनवर्ड ग्रो करते हैं इन टू द अंडरलाइन एक्टोमीजन काइम जो वहाँ कंडेंस हुआ है उसके सेल्स में. इसमें दो तरह के सेल्स रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, आउटर लो कॉलमनर सेल्स जो आउटर उसकी पेरिफेरी पे हैं और एक इनर टाइटली बाउंड सेल्स. ठीक है, जो सेल्स ऑफ द एक्टोमीजन काइम हैं जो सराउंड करते हैं बर्ड को बिगिन टू कम क्लोज टुगेदर एंड कंडेंस, जैसा कि मैंने आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, वो कंडेंस होने लगते हैं. उसके बाद उसमें पैक्ड पॉलीगोनल सेल्स डेवलप होने लगते हैं. ये एक जनरल डायग्राम है, मैंने ये ऑर्गन्स की छोटी किताब से लिया है, और ये उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है. देखिए, ओरल एक्टोडर्म से डेंटल लमाइना बाहर आ रही है जिसकी अगर आप देखोगे तो बॉर्डर जो है वो लो कॉलमनर सेल्स हैं और अंदर की साइड में सेंट्रल पॉलीगोनल सेल्स हैं क्लोजली टाइटली पैक्ड. उसके नीचे आप सेल का एक जमावड़ा देख रहे होंगे जो एक्टोमीजन कामल कंडेंसेशन कहलाता है, एक्यूमुलेशन कहलाता है कंडेंसेशन एक्टोमीजन काइम सेल्स का जो न्यूरल क्रेस्ट से आए हैं. ओके, ये आपको डायग्राम उसमें प्रॉपरली बनाना पड़ेगा. जो इसमें गोल गोल चीज़ें आपको जो दिख रही हैं, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारी चीज़ें हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो इसके साथ ही डेवलप होती हैं ताकि बाद में जाके जो अपाइकल पोर होता है जो बनता है उसमें जाके जुड़ सकें. और ये जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं ये कोलेजन फाइबर्स हैं, कनेक्टेड टिश्यूज़ हैं ये, जो इसको बाद में कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे. ओके, उसके बाद आता है कैप स्टेज. कैप स्टेज में क्या है, ये उसकी सेकेंड स्टेज है. इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो
एक जैसे नहीं प्रोलिफरेट करते हैं, वो इक्वली ग्रो नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, कुछ सेल्स प्रोलिफरेट ज़्यादा तेज़ करते हैं बाकी सेल्स से। तो क्या होता है कि बर्ड शेप जो थी वो एक कैप शेप ले लेती है, जिसमें एक कॉन्वेक्स एक्सटीरियर सरफेस होता है और एक इनवेजिनेटेड या कॉनकेव इंटीरियर सरफेस होता है। जो सेल्स लाइनिंग करती हैं कॉनकेव सरफेस को, वो भी एलोंगेट हो जाती हैं और कॉलमनार शेप की हो जाती हैं। उनको हम इनर एनेमल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, और जो एक्सटीरियर पे लो क्यूबॉइडल रहती हैं उसको हम आउटर एनेमल एपिथेलियम कहते हैं। तभी क्या होता है कि बीच के जो सेल्स थे, जो अभी टाइटली पैक्ड जो पिछली बार सेल्स थे, वो सेंट्रल सेल्स एनेमल ऑर्गन बनाना शुरू कर देते हैं और सेपरेट होने लगते हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अब एक्यूमुलेट होने लगता है और वो स्टार शेप्ड के हो जाते हैं। इसमें ये EFA कहाँ से आया, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर ECF कहाँ से आया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ से आया, तो ये जब एक्टोमीजन का कंडेंस करेगा तो उसका जो लिक्विड था, जो फ्लूइड था, वो इसके अंदर चला जाता है, वो ब्लीच आउट कर जाता है इसके अंदर, वो लीच कर जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से बीच में फ्लूइड भर जाता है। तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, कैप शेप का तो हो ही गया है, और उस ऊपर से बीच के सेल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है लोकेशन का, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जो फ्लूइड है वो भर जाता है, जिसकी वजह से वो स्टार शेप टाइप लगते हैं। दे आर अटैच्ड टू ईच अदर ओनली एट द डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स आर लाइक, जैसे कि न्यूरॉन्स पे डेंड्राइट्स होते हैं, ऐसे ही डेस्मोसोम्स भी होते हैं उसी तरह से, जो सेल बॉडी के बाहर निकलते हैं, सेल मेम्ब्रेन से प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसकी मदद से वो आपस में कनेक्शन बिठाते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन की और वो सब की, जितना भी उनका कनेक्शन रहता है उन सबको करते हैं वो। उसके बाद उनको बोलते हैं हम स्टेलेट रेटिकुलम। स्टेलेट का मतलब होता है स्टार शेप्ड, और रेटिकुलम का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फैलाते हैं डेस्मोसोम से। समटाइम्स क्या होता है, जो इनर एनिमल एपिथेलियल है, एपिथेलियम सेल्स है, और इन द सेंटर ऑफ द एनिमल ऑर्गन, वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, काफ़ी पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक डेंस स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं एनिमल नॉट, जो कंसिडर किया जाता है टू प्रोवाइड सिग्नलिंग दैट डिटरमाइंस द एंड कंट्रोल्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्राउन। एनिमल नॉट क्राउन और मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्राउन, और उसकी शेप, वो किस तरह से बनना है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, किस तरह का क्या है, वो सारा कुछ वो डिसाइड करता है, उसके हिसाब से ही वो बनता है। एनिमल नॉट ही उसको सिग्नलिंग करके डिसाइड करवाता है, डिटरमाइन करता है। इस स्टेज में और क्या होता है, कंडेंस्ड एक्टोमीजन काइम जो था, जो उसकी कॉन्केविटी में लोकेटेड हो जाता है एनिमल एपिथेलियम की, उसको हम डेंटल पैपिला कहते हैं। यहाँ जाके डेंटल पैपिला का जन्म हुआ है। डेंटल पैपिला डिमार्केट की जाती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एक्टोमीजन काइम बाय एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स। वहाँ कोलेजन फाइबर्स आके जमा हो जाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, जहाँ डेंटल पैपिला है उसके जस्ट नीचे जो फाइबर्स मैंने आपको बताए थे वो आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे डेंटल सैक बनता है। उसके बाद इसमें जो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं इन अ क्लोज सर्कल फॉर्म, जो डेंटल पैपिला को एनक्लोज करते हैं, जिसको हम डेंटल सैक बोलते हैं। ओके, ये एक उसी का HNE डायग्राम नहीं कहेंगे इसको, एक स्लाइड है, ये भी ऑर्बन से ली गई है, और ये उसका स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप स्टीलेट रेटिकुलम देखिए, बीच में किस तरह से इसमें फ्लूइड भर गया, तो जो वाइट स्पॉट्स हैं वो फ्लूइड हैं, और जो बीच में पिंक स्पॉट्स हैं जिनमें अंदर एक न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ जैसे देखिए, ये स्टार शेप्ड सेल्स हैं, स्टीलेट रेटिकुलम। ओके, उसके बाद ये वाली साइड जो है आपकी, ये पूरी की पूरी साइड आउटर एनिमल एपिथेलियम है, और ये वाली जो ये वाली पूरी साइड है वो इनर एनिमल एपिथेलियम है। ओके, जो ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल लूप। अभी ये उतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं हुई है और तो हम इसको नहीं अभी पढ़ा है, पर इसको वही बोलते हैं। उसके बाद ओरल एपिथेलियम आपको दिख ही रहा है, डेंटल लमाइना दिख ही रहा है, ये धीरे धीरे करके डिटेरिएट हो जाएगा, डेंटल से आपको देख सकते हैं। उसके साइड साइड में जो ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, यहाँ ये ब्लड वेसल्स हैं, ये वाले जो आपके फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स हैं, और कभी कभार यहाँ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये आपकी बोन डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। एल्वोलर बोन गोम्फोसिस आपने HMA पढ़ा होगा, ह्यूमन एनाटॉमी में, उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये देखिए इसमें एनिमल नॉट बहुत प्रॉपरली दिख रहा है। ये एनिमल नॉट डिटरमाइन करती है कि किस तरह से उसका क्राउन डेवलप होना चाहिए। अगर आप अपने एग्ज़ाम में इतना लिख दोगे किसी भी स्टेज के बारे में, अगर उन्होंने पूरा बोला है तो आप इतना इतना बोल के जब डायग्राम बना दोगे वो आपको प्रॉपर मार्क्स देंगे। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर दिस इज पार्ट वन. इफ यू वॉन्ट PPT, follow the link below. Hope you found this video informative. If you like the video, please like the video and subscribe our channel for more. And if you have any doubts or queries about this video or about this topic, please comment down below. We will try to solve it as soon as possible. Thank you so much.